Hello dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil। तो दोस्तों हमने आपसे पिछली वीडियो के अंदर जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1 के नाम से थी उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और उनके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। उसमें आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी कि वो जो हमारे चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट और उन चैप्टर से हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के एग्जाम और साथ साथ कॉम्पिटिटिव टेस्ट दोनों के अंदर हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए अब आज हमारा जो कुछ और इसमें जो चैप्टर्स हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 2 के अंदर उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कॉलम, फ्रेम्स, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनकी जो लिटिल बिट जो उसके अंदर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे लिए कैसे इसको हम याद कर सकते हैं और उसमें क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दोस्तों जो पिछली हमारी वीडियो थी स्ट्रक्चरल वन, मैंने उसमें भी आपसे ये गुजारिश की थी कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों, ये ज्यादा से ज्यादा और तक पहुंच सके। आप जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी हमारी नई वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, आप उसको तुरंत आपको पता लगता है कि नई वीडियो हमने बनाई है। लेकिन उसमें भी हमें ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आप वीडियो देखते जरूर है लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ जो हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, हमारा सिर्फ पर्पज यही है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा, हम आपसे ये चाहते हैं बस आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बस, और हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी और ज्यादा मोटिवेट हों और ज्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो। कोई आपका कॉमेंट्स है तो आप इसमें कॉमेंट्स में भी डाल सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए उसके अंदर, उसके हिसाब से ताकि हम और विषयों के ऊपर वीडियो बना सकें। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बस। सिविल विद अनिल मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करें बस। तो दोस्तों आज हम ये आगे बढ़ते हुए हमारा जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है 2, इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है, जैसे हमारा इसके अंदर टॉपिक है सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग का मतलब यही है कि जो हमारा कोई भी बीम है जब उसके ऊपर लोड लगता है तो इट शुड नॉट बी अकंपनीड बाय एनी शियर फोर्स। व्हेन अ बीम इज लोडेड इन सच ए वे दैट इट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट अनअकंपनीड बाय एनी शियर फोर्स, तो उसके अंदर कोई भी शियर फोर्स ना हो तो दैट टाइप ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर हमारा एक बीम रहता है जिसके अंदर की ये इसके अंदर ये हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन है तो उसके ऊपर ये दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, तो उसके अंदर से जो शियर फोर्स आएगा, शियर फोर्स आगे वो इस सपोर्ट से बाहर है, जैसे इधर भी बाहर है लेकिन जो बीम का हमारा वाला पोर्शन है इसके अंदर कोई भी शियर फोर्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग। लेकिन ये जो एक्चुअल में जो ये प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं या जब हमारा जो लोड लगता है एक्चुअल में किसी भी बीम के अंदर तो उसके अंदर शियर फोर्स तो उसमें आती ही आती है, लेकिन जब हमारे डेरिवेशंस होते हैं जो इस तरह के इक्वेशंस हम ड्राइव करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस हमें मान के चलनी पड़ती हैं। तो इट इज वन ऑफ द कंडीशन कि जो हमारा जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन बनेगी उस बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हमें मान के चलेंगे कि जो बीम होगा उसके अंदर देयर विल बी नो शियर फोर्स एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। तो ये सिर्फ ये अज्यूम्ड कंडीशंस है लेकिन जो कि विच इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। तो हमारा जो हमने बेंडिंग इक्वेशन बनाई गई है या जो बेंडिंग हमारी बेंडिंग थियोरम है तो उसके अंदर कुछ अजम्पशंस हम, जैसे मैंने पहले बताया कि जो वो भी एक अजम्पशन है प्योर बेंडिंग का, इसी तरह से देयर आर सर्टन अदर अजम्पशंस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे से बहुत बार पूछा जाता है
कि व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर द थ्योरी ऑफ सिंपल प्योर बेंडिंग। तो उसके अंदर हमारी सबसे पहली अजम्पशन यही कि द मटेरियल ऑफ द बीम इज आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस एंड दैट इज दैट ऑफ द सेम डेंसिटी एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज थ्रूआउट। जो बीम है हमारा उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस बिल्कुल एक जैसा यूनिफॉर्म उसका मटेरियल है एंड इट इज इलास्टिक एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। पूरे के पूरे बीम की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी है। दूसरी हमारी कंडीशन ये है द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेस्ड एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट्स बेंड इनटू अ सर्कुलर आर्क विद अ कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब बीम पे लोड लगता है तो उसके जो इनिशियली तो जो फिलामेंट्स हैं दे आर ऑल अनस्ट्रेस्ड होते हैं और वो एक ही कॉमन कर्वेचर के अंदर बेंड होते हैं। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है द इलास्टिक लिमिट इज नो वेयर एक्सीडेड ड्यूरिंग द बेंडिंग। तो मतलब ये है कि जो बेंडिंग होगी दैट विल बी विदिन द इलास्टिक लिमिट। जो बीम हमारा बेंड होगा उसके अंदर इलास्टिक लिमिट को फॉलो करेगी। मतलब जैसे अगर लोड हटाएंगे तो इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज अवर इलास्टिक लिमिट। और जो चौथी कंडीशन यही है यंग्स मॉडल्स फॉर द मटेरियल इज द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जो यंग्स मॉडल ई की वैल्यू होती है मटेरियल की वो टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी हो उसके लिए सेम रहेगी। ई की वैल्यू विल बी सेम फॉर कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। सो दीज आर द फोर कंडीशंस। तो जो हमारे बेंडिंग इक्वेशन जो बनती है उसके लिए ये हमने ये चार कंडीशन माननी है, उसके बाद ही हमारी बेंडिंग इक्वेशन बनती है। तो ये हमारी बेंडिंग कंडीशन इक्वेशन को बोलते हैं ईलर्स और ईलर्स बर्नौलीज इक्वेशन। इसको ईलर्स थ्योरम भी बोलते हैं या बेंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये इससे जो डेरिवेट जो हमने जो एजम्पशंस मानी है उसके बेस पे ही हमने किए बीम के ऊपर मूवमेंट लगाकर ये इक्वेशन को ड्राइव किया है। तो आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है बस। ये इक्वेशन अगर आपको याद हो जाती है तो ये दैट इज एनफ। तो इसके अंदर ये हमारी इक्वेशन ये निकल के आती है सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये याद करनी है आपने इक्वेशन, ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा सी और सिग्मा टी इसे डिनोट करते हैं। तो सिग्मा ये लिखा बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस होती है इसकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई इज द डिस्टेंस, वाई क्या चीज है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जो बीम है हमारा उसके न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का जिस फाइबर पे भी आपको जिस डिस्टेंस पे भी आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। एम इज द बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को कह सकते हैं। तो जो बेंडिंग मूवमेंट होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन एमएम या न्यूटन मीटर कुछ भी कह सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मेनली इसकी यूनिट होता है न्यूटन एमएम। इसके बाद आई, आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो बीम का सेक्शन है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस। तो आई के यूनिट होते हैं एमएम की फोर, सीएम की फोर। तो ये आपको पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। ई है यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके यूनिट भी वही स्ट्रेस वाले यूनिट होते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आर होता है इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो बेंड होगा हमारा बीम तो उसका जो रेडियस बनेगा जिस रेडियस का वो बेंडिंग में आएगा तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी यूनिट भी ये डिस्टेंस है तो एमएम में लिखते हैं। इसी तरह वाई जो है इसका भी यूनिट एमएम होता है, एमएम सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस है तो एमएम सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले सकते हैं, लीनियर यूनिट मतलब एमएम में ले सकते हैं। तो ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन है। तो ये आपको याद करनी है, बहुत सिंपल है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज बेंडिंग इक्वेशन और ईलर्स थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन और उसके लिए उसके क्या क्या उसमें पैरामीटर्स हैं और उनके क्या यूनिट्स हैं। तो ये आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए और इनके यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको मतलब इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अभी जो ये हमारी इक्वेशन आई थी इसके अंदर इसी से हमने ये दो टर्म और बनाई है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या जो बेंडिंग मूवमेंट इसको हम कह रहे थे, तो जैसे बेंडिंग मूवमेंट किसी भी लोड बीम के ऊपर जब लोड लगेगा तो वो बीम उसको रेसिस्ट करेगा। तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है बीम का दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द इंटरनल फोर्सेज, जिसको इंटरनल फोर्सेज है उनके मूवमेंट्स का सम Above the neutral axis is known as moment of resistance. तो जो हमारी bending equation थी m upon i is equal to sigma upon y. तो हमने इसके अंदर m को निकाल लिया, इसके अंदर से m को निकाल लिया
तो एम एम को निकाली तो हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा इंटू आई डिवाइडेड बाई वाई, सिग्मा इंटू वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो जो हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास क्या रह गया फिर, ये आई बाई वाई। तो आई बाई वाई का मतलब क्या होता है, इट इज सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस जेड ये मुझे नीचे डिफाइन किया गया है, तो दैट इज जेड। तो एम को हम कैसे लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, वेयर जेड इज द सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, इट इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। जेड से डिफाइन करते हैं, जेड इक्वल टू आई बाई वाई। तो वाई जो है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर, जो एक्सट्रीम फाइबर होता है हमारे बीम के क्रॉस सेक्शन का, उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके वाई एक्सट्रीम फाइबर से जो डिस्टेंस होगा दैट विल गिव यू द वाई। तो उसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, यही हमने यहां पर यूज किया है। तो जो हमारा बेंडिंग जो बेंड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा इनटू जेड। तो ये हमने कुछ सेक्शंस है उसके बारे में आपको बताया कि भाई इनका सेक्शन मॉडुलस कितना होगा। जैसे बीम दिखाया गया है, ये रेक्टेंगुलर बीम है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके अंदर से इसका जो वाई होगा इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू एच बाई टू। तो आई बाई वाई होता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया आई बाई वाई, तो इसके अंदर वाई की वैल्यू एच बाई टू और इसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बी एच क्यूब बटे बारह। तो बी एच क्यूब बटे बारह डिवाइडेड बाई एच बाई टू, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम एच स्क्वायर बाई सिक्स। तो ये इसका सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा अबाउट इट्स एक्स एक्सिस। इन द सेम वे जैसे फिर ये दिखाया गया होलो सेक्शन है, होलो क्रॉस सेक्शन है, तो इसके अंदर से यही हमने अब इसके अंदर जो सेक्शन बच गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल दिया। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के बाद आपने क्या किया, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास यहां से आता है डिस्टेंस था टोटल एच बाई टू। तो इसके न्यूट्रल एक्सिस यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी एच टू बाई टू। तो यहां पर वही काम हमने किया है, इसके अंदर एच टू बाई टू से डिवाइड कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई और इसको h by 2 से डिवाइड कर दिया, तो इट विल गिव यू द सेक्शन मॉडुलस ऑफ दिस सेक्शन। इन द सेम वे हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन का आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाय 64 इनटू डी की 4। आपको पता ही है सर्कुलर सेक्शन है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस न्यूट्रल एक्सिस इज पाई बाय 64 इनटू डी की 4। तो अब हमारे पास इसके अंदर जो इसका जो y होगा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ये y है, दिस विल बिकम d बाय 2। तो d बाई टू से इसको भाग दे देंगे i बाई, आपको पता है जो सेक्शन मॉडुलस होता है i बाई वाई, i आपको पता है, y आपको पता लगे h बाई d बाई टू। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका सेक्शन मॉडुलस। सेम भी होलो सेक्शन है, तो होलो सेक्शन का भी आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा y बाई 64 इंटू में आउटर डायमीटर डी टू की 4 माइनस इंटरनल डायमीटर डी वन की 4। ये हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको जो y होगा वही हो जाएगा डी टू बाई टू, इसका ये y का डिस्टेंस हो जाएगा तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए होलो सेक्शन, ये सर्कुलर सेक्शन है उसका हमने इस तरीके से सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट किया। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इस तरह से कुछ सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका सेक्शन मॉडुलस कितना होगा। इसी तरह से अलग अलग सेक्शन है किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको उसके सिर्फ ये पता होना चाहिए सेक्शन मॉडुलस होता क्या है, जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द शियर स्ट्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बीम होती है तो उसके अंदर जो शियर स्ट्रेस होती है वो जो शियर स्ट्रेस है जैसे उसके अंदर जैसे बेंडिंग मोमेंट लगता है तो उसमें शियर फोर्स भी पैदा होती है, तो शियर बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ तो शियर फोर्स पैदा होगी तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस भी पैदा होगा। व्हेन ए बीम इज लोडेड बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स आर डिवाइडेड एट ऑल सेक्शन ऑफ द बीम। We have seen that bending stress distribution at any cross section of the beam. The vertical shear stress and section of the beam produces shear stress at that section that varies along the depth of the section. जो beam की जो depth होती है उसके along ही हमारी shear stress भी vary करती है। तो जैसे आपको पिछले इसमें दिखाया था, जैसे मैं फिर आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो इसके सेक्शन के अलोंग ही ये हमारी शियर स्ट्रेस भी वेरी करती है एंड इट इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर
एंड इट रीच मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। जो शियर स्ट्रेस होती है एक्सट्रीम फाइबर पे मिनिमम होती है एंड इट इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। यही इसके अंदर आपको बात बताई गई है। इट इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड बिकम जीरो एट द आउटर मोस्ट फाइबर ऑन आइदर साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये इसका फार्मूला है, टाउ से इसको डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेस को, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई डिवाइडेड बाई आई बी। एफ इज द शियर स्ट्रेस एट द से, इसलिए फार्मूला आप याद रख सकते हैं शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए, एफ ए वाई बाई आई बी। एफ शियर फोर्स होती है उस सेक्शन पे, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बिटवीन द प्लेन अंडर कंसिडरेशन। जिस सेक्शन के ऊपर हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके ऊपर का एरिया होता है ए। B is the width of the section. I is the moment of inertia of the section. जो बी का सेक्शन है हमारा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड Y is the distance of the CG or center of the area from the neutral axis. जो एरिया आपको बताया गया है आगे सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसके अंदर के, जैसे दिखा रखा है हमने सेक्शन, ये हमारा बीम का सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, हमें इसके अंदर यहाँ पर निकालनी है, इस फाइबर पे आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो इसके ऊपर का जो एरिया होगा, ये शेडेड एरिया दिखाया गया है, ये इसका एरिया लेंगे और इस एरिया की सी जी, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज वाई बार, तो ये बी या एफ ए की बात है, एफ ए वाई वाई बार डिवाइड बाई बी इंटू आई, तो दैट विल गिव यू द शियर स्ट्रेस। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपको दिखाया गया है, जिसकी डी डेप्थ है बी विड्थ है। तो हमें इस सेक्शन के ऊपर या इस जगह पर आपको फाइव डिस्टेंस के ऊपर आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जिसके ऊपर ये वाला एरिया है ये ए आप लेंगे, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे और इसकी सीजी का डिस्टेंस ले लेंगे वाई बार, ये डिस्टेंस है वाई बार, वी यहाँ इस सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स है और आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का और वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ए वाई, इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जैसे आपको दिखाया गया है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन था हमारा, तो उसके अंदर हमने सभी की वैल्यूज पुट कर दी। तो इसके अंदर जो एवरेज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है इट इज एट द न्यूट्रल एक्सिस, जैसे मैंने भी आपको बताया है। तो जो एफ बाई बी डी, एफ का मतलब शियर फोर्स, बी बाई बी इंटू डी, तो अगर एफ बाई बी डी अगर हम निकाल लेते हैं तो दिस गिव्स द एवरेज शियर स्ट्रेस, एफ बाई बी डी स्ट्रेस मतलब शियर फोर्स डिवाइडेड बाई द एरिया, बी डी मतलब एरिया, F का मतलब शियर फोर्स डिवाइड बाई एरिया गिव्स यू द एवरेज शियर स्ट्रेस। तो अगर हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी हो तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, 3/2 1.5 से गुणा कर देंगे, तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जो मैंने आपको बताया है कि जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा उसके अंदर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो होती है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस। ये एवरेज शियर स्ट्रेस है F by BD और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है डेढ़ टाइम। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो उसके अंदर जो एवरेज शियर स्ट्रेस है वो किसके बराबर होती है, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एफ बाय बीडी, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एफ इज द शियर फोर्स, बीडी एरिया, एफ बाय बीडी विल गिव यू एवरेज शियर स्ट्रेस। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी है तो उसका डेढ़ टाइम्स कर देंगे, तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। और अगर हमारा सेक्शन अगर सर्कुलर हो तो सर्कुलर सेक्शन में भी शियर स्ट्रेस का फार्मूला वही है, एफ बाई बी डी शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई एरिया। अब इसके अंदर बी डी नहीं लेंगे, सर्कुलर सेक्शन है तो एरिया हो जाएगा हमारा पाई बाई फोर डी स्क्वायर, दैट विल गिव यू द एरिया। लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी दैट विल बी 3/4, तो ये डिफरेंस है एवरेज रेक्टेंगुलर और सर्कुलर में। तो रेक्टेंगुलर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 1.5 × tau एवरेज, लेकिन सर्कुलर में होते टाउ मैक्सिमम 4/3 × tau एवरेज। उस तरीके से हम सेक्शन सर्कुलर सेक्शन के लिए एवरेज और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपको कुछ ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई हाउ द शियर स्ट्रेस वेरीज फॉर द डिफरेंट सेक्शंस। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से ही कि जैसे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको दिखाया गया, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसके एक्सट्रीम फाइबर्स। तो आपको बताया कि जो एक्सट्रीम फाइबर्स होते हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस मिनिमम होती है एंड इट इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका ये अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ तो इस तरह से ये इसका ये पैटर्न ऐसे बनता है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शीर्षेस अक्रॉस ए बीम सेक्शन, अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो ये सेक्शन आपको बनाना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको दिखाना है ये इस तरह से, ये कर्व बनानी है आपने मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे और मिनिमम एट द एक्सट्रीम साइड पर, तो इस तरीके से आपने कर्व दिखानी है। अब जैसे मान लीजिए आप आई सेक्शन दिखाया गया, तो आई सेक्शन के अंदर भी वही चीज है, मिनिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर, ये एक्सट्रीम फाइबर यहाँ पर जीरो है और इट इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर मैक्सिमम, तो ये इस तरह से वेरी करेगी। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ से जीरो से शुरू होगा, फिर ये हमारे पास इसके अंदर ये इसके अंदर ये वेब है और इसके फ्लैंजेस है, तो यहाँ पर ये ऐसे शुरू होगा जो फ्लैंज में इस तरह से वेरी करेगा, यहाँ से आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर फ्लैंज में पहुंच गया, फिर ये यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम ये यहाँ पर ही आ जाएगा और फिर ये हमारे पास इसका ये वेब आ गया, तो वेब के अंदर फिर इस तरह से वेरी करेगा जैसे कर्व दिखाई गई है, तो इस तरीके यहाँ पर ये कर्व बन जाएगी और फिर यहाँ पर फिर अगर ये वही वैल्यू हो गई और फिर इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी, तो इस तरीके से इट इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। इन द सेम वे टी सेक्शन अगर आपको दिखाया गया है तो टी सेक्शन में भी इसी तरीके से ये वेरी करती है, जीरो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ से जीरो चलेगा ये न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी ये। तो ये कर्व का क्या सा पैटर्न है ये आपको ध्यान करना है, यहाँ से ये कर्व दिखाई फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ पर ये कर्व बढ़नी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर यहाँ पर ये घटनी शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ पर ये आगे जाकर जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये टी सेक्शन है, इसी तरह से एल सेक्शन में भी दिखाया जा सकता है, तो एल सेक्शन में भी हमारा ये जो फ्लैंज है ये नीचे चला जाएगा, तो उसी तरह से जीरो से शुरू होकर जहां पर इसका न्यूट्रल एक्सिस जाएगा वहां पर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर ये जैसे ये फ्लैंज में दिखाया गया ये पोर्स नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम टी सेक्शन एल सेक्शन किसी के लिए भी शीयर स्ट्रेस कैसे वेरी करती है ये हम दिखा सकते हैं, तो ये आपको दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी जो पिछले जो मैंने फार्मूला बताया था उसी फार्मूले का यूज करके ये यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर शीयर स्ट्रेस को कैलकुलेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर से भी बहुत बार एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं कि जब हम किसी बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से उस बीम में डिफ्लेक्शन आता है, तो डिफ्लेक्शन के अलावा उसके अंदर जो उसके जो सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर एक एंगल बनता है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है स्लोप और डिफ्लेक्शन को डिफाइन करिए, व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एट एनी सेक्शन इन ए डिफ्लेक्टेड बीम इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियंस, तो जो एंगल बनता है दैट इज टेकन इन रेडियंस, ये याद रखना है आपने, विच द टेंजेंट एट दैट सेक्शन मेक्स विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, ये ओरिजिनल एक्सिस है इसके साथ जो ये एंगल बन रहा है, टेंजेंट जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज गिव दैट एंगल गिव यू द स्लोप एट दैट सेक्शन, ये स्लोप है, तो इस स्लोप को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, रेडियंस में डिफाइन करते हैं। इसी तरह से डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग, ये बिफोर लोडिंग ये आफ्टर लोडिंग, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस गिव यू द डिफ्लेक्शन एट दैट सेक्शन, तो किसी भी सेक्शन के ऊपर हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये सेक्शन तो यहाँ पर इतना डिफ्लेक्शन होगा, ये सेक्शन यहाँ पर इतना डिफ्लेक्शन होगा, तो इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर क्योंकि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम सेंटर पे होगा और एंड्स के ऊपर मिनिमम होगा। इसी तरीके से जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप विल बी मैक्सिमम एट द सपोर्ट एंड इट इज मिनिमम एट द सेंटर, सेंटर पे जो स्लोप होगा मिनिमम होगा और सपोर्ट्स पे मैक्सिमम होगा, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, तो इसको हम थ्योरम वन और थ्योरम के नाम से जानते हैं, तो कई बार आपसे पूछ सकता है व्हाट गिव यू द व्हाट इज द वेरियस थ्योरम्स टू कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो उसको थ्योरम वन और थ्योरम टू के नाम से जानते हैं, तो थ्योरम वन इज यूज टू कैलकुलेट द स्लोप एंड थ्योरम टू इज यूज टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जो थ्योरम वन हमारी ये कहती है स्लोप इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई, तो ए इज द एरिया ऑफ द जो जो लोड लगने की वजह से उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है उसका एरिया, एंड ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द सेक्शन, ई इज द मोमेंट ऑफ ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, तो ए अपॉन ई आई ए इज द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
इसी तरीके से अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो दैट इज गिवन बाय द थ्योरम टू एंड दैट इज इक्वल टू ए एक्स बार डिवाइडेड बाय ई आई. तो ए इज द एरिया और एक्स बार का मतलब ये है कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मतलब सेक्शन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है उसका, उसकी सीजी का जिस पॉइंट से पर से आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है उनके बीच का डिस्टेंस. तो वो इसमें लिखा गया द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द इलास्टिक कर्व एंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन थ्रू दैट पॉइंट एंड टेंजेंट ड्रॉन एट सम अदर पॉइंट ऑन द इलास्टिक कर्व इज गिवन बाय द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द टू पॉइंट्स टेकन अबाउट फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. तो इसके अंदर आपने एरिया लिया और उसका डिस्टेंस ले लिया, उसकी सीजी का, इसमें लिखा है उसकी सीजी का डिस्टेंस लेकर उससे डिवाइड कर दिया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ए एक्स बार अपॉन ई आई, तो दैट गिव्स द डिफ्लेक्शन. तो ये कई बार पूछ लेते हैं भाई ये थ्योरम मोमेंट ऑफ मूवमेंट एरिया थ्योरम क्या करती है. तो कैसे ये दो थ्योरम हमारे पास, तो इस तरीके से हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट किया. तो ये कुछ आपको सेक्शंस के बारे में, जैसे आपको दिखाया ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर ये मूवमेंट लगा है तो उसके अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा. तो ये आप याद कर सकते हैं, ये जैसे दिखाया कैंटिलीवर बीम है इसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगा है तो उसके अंदर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा. कैंटिलीवर बीम है यूडीएल लगा है तो उसके इसके अंदर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा. तो ये सब याद करने के लिए, इनको अगर आप याद कर सकते हैं बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं तो ये वही जो आपको जो तो थ्योरम बताई गई थी उनकी मदद से इनको ड्राइव किया गया है. वो ए अपॉन ई आई बेंडिंग मोमेंट का इसका जो जैसे स्लोप उसके अंदर ये लोड लगेगा तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसके एरिया ले सकते हैं अलग अलग. तो ये तीन कंडीशन आपको बताई गई है, एक कैंटिलीवर बीम है, एक स्लोप लगा है, खाली इसके अंदर एक मूवमेंट लगा है तो उसमें हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होता है. ये स्लोप, ये डिफ्लेक्शन, ये पॉइंट लोड लगा है, ये स्लोप, ये डिफ्लेक्शन. तो आप ये दो कंडीशन ज्यादा याद कर सकते हैं, पॉइंट लोड और यूडीएल, पॉइंट लोड और यूडीएल. तो पॉइंट लोड ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे पॉइंट लोड लगा है तो उसमें मैक्सिमम स्लोप होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई. अब इसके अंदर आपको दोनों साइज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ये यहाँ पर ये पॉइंट लोड लगा है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू और ये यूडीए लगा हुआ डब्ल्यू, इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से नोट करते हैं, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ये लोड लगा है. तो उस केस के अंदर ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू है, इनको अलग अलग से ध्यान में रखना है. ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू. तो जब ये यूडीएल इसके अंदर लगा हो तो इसके अंदर जो स्लोप होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई और डिफ्लेक्शन होता है 5/384 डब्ल्यू एल की 4 अपॉन ई आई. और इस केस के अंदर ये दो चीजें और भी बताई गई है कि जो मैक्सिमम जो इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कितना होता है. जब ये जैसे यूडीएल लगा है तो इसमें कर्व बनेगी तो उसके अंदर जो मैक्सिमम जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है डब्ल्यू एल बाय 4 से पॉइंट लोड लगा होता है. तो इनकी मदद से हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं. तो ये आपको थोड़ा याद करने के लिए याद इनको आप कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें ये बहुत बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि भाई मैक्सिमम ये जैसे यूडीएल लगा ये पॉइंट लोड लगा है, कैंटिलीवर बीम है, मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, या यूडीए लगा है तो स्लोप कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम्स के बारे में. तो कॉलम, तो कॉलम एक तरह से स्ट्रटी होता है तो उसके अंदर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है. तो व्हाट इज स्ट्रट, द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इन एनी पोजीशन अदर देन वर्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रट. तो अगर हमारा कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन का मेंबर का मतलब एक ऐसा मेंबर जिसके ऊपर भी कंप्रेसिव ओनली कंप्रेसिव लोड लगा होता है. तो अगर हमारा जो कंप्रेसिव मेंबर है अगर वो वर्टिकल के अलावा किसी और पोजीशन में है, इफ इट इज नॉट वर्टिकल देन इट इज कॉल्ड स्ट्रट एंड इफ इट इज इन अ वर्टिकल पोजीशन देन इट इज कॉल्ड कॉलम. तो कॉलम और स्ट्रट में सिर्फ इतना ही फर्क है, ए वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड इज कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल मेंबर है लेकिन उसके ऊपर वर्टिकल है सीधा
90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल हो तो उसको कॉलम बोल देते हैं, एंड इफ इट इज नॉट एट 90 डिग्री, इट इज एट अदर एंगल देन वर्टिकल, तो फिर उसको हम बोलते हैं स्ट्रट। तो इसके अंदर जो कॉलम की जो लेंथ होती है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो उसकी इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करती है। तो एक्चुअल लेंथ क्या होती है उसकी, जो हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द इफेक्टिव लेटरल रिस्ट्रेंट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्चुअल लेंथ। लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो मतलब उस पर जो लोड लगता है तो उसके जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है, दैट गिव्स यू द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज फाउंड एट द एंड ऑफ द कॉलम दैट इज फ्री टू रोटेट एंड एट एवरी पॉइंट वेयर देयर इज ए चेंज ऑफ द एक्सिस, जो मतलब जो कॉलम जब हमारे पास उसका जो एक्सिस चेंज हो जाता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये आपको आगे समझ में आएगी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, मतलब ये जो कह सकते हैं कि जो एक्चुअल जो लेंथ है हमारी कॉलम की विच टेक्स पार्ट इन द बेंडिंग, उस लेंथ को भी हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, द एक्चुअल लेंथ, द लेंथ ऑफ द कॉलम विच टेक्स पार्ट इन द बेंडिंग, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ। तो जो कॉलम है उसको हमने क्लासीफाई किया है, तो इट हैज बीन क्लासीफाइड इन थ्री फॉर्म्स। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई जो कॉलम उसको कैसे क्लासीफाई किया है, तो थ्री तरह टाइप्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। तो उसमें छोटी छोटी बातें आपको याद करनी है कि शॉर्ट कॉलम को किसको कहेंगे, द कॉलम विच हैव लेंथ लेस देन ए टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर, जिस कॉलम की जो लेंथ है वो उसके डायमीटर से 8 टाइम से कम हो, या स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 32, स्लेंडरनेस रेशियो होती है एल बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जिस कॉलम की जो स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 32 से कम हो, या उसकी लेंथ 8 टाइम्स ऑफ द डायमीटर से कम हो, उसके डायमीटर की 8 टाइम्स को गुणा कर दें और उसकी लेंथ उससे कम हो, तो उस कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। तो जो शॉर्ट कॉलम जो है वो सिर्फ डायरेक्ट कंप्रेशन में ही फेल होते हैं, मतलब कंप्रेशन में फेल होते हैं, मतलब जो मतलब क्रशिंग में फेल होते हैं, उस तरह के कॉलम को हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। अब आता है हमारा मीडियम और इंटरमीडिएट कॉलम, द कॉलम विच हैव लेंथ वेरिंग फ्रॉम 8 टू 30 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर, जिनकी लेंथ 8 से 30 टाइम्स हो उसकी डायमीटर की, या स्लेंडरनेस रेशियो जो उसकी है 32 से 120 के बीच में वेरी करे, तो उस कॉलम को बोलते हैं मीडियम कॉलम। तो जो मीडियम कॉलम जो होते हैं दे में फेल बाय बकलिंग और डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से भी फेल हो सकते हैं या बकलिंग की वजह से फेल हो सकते हैं, दोनों उस मतलब बीच की पोजीशन होती है, बकलिंग में भी फेल हो सकते हैं या डायरेक्ट कंप्रेशन में भी फेल हो सकते हैं, उन कॉलम को हम बोलते हैं मीडियम कॉलम। और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं जिनकी की जो लेंथ है मोर देन 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, या स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज्यादा हो, तो उन कॉलम्स को हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम, दे आर कॉल्ड लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट वर्ड लिख दिया है, दे आर कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। द लॉन्ग कॉलम्स फेल ओनली बाय द बकलिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, द लॉन्ग ये गलत दो ये रह गया गलती से, शॉर्ट नहीं है ये लॉन्ग कॉलम है, द लॉन्ग कॉलम फेल्स ओनली बाय बकलिंग, वो बकलिंग में फेल होते हैं, वो डायरेक्ट कंप्रेशन में फेल नहीं होते, क्रशिंग में फेल नहीं होते, इसीलिए दे आर कॉल्ड लॉन्ग कॉलम्स। तो लॉन्ग कॉलम मतलब लेंथ 30 टाइम पे डायमीटर से ज्यादा हो, ये स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज्यादा हो, उनको लॉन्ग कॉलम हम बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्लेंडरनेस रेशियो, ये भी पूछते हैं कई बार क्या होती है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द कॉलम इज नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो, एल अपॉन आर रेशियो। तो उसी से ही कॉलम की डिसाइड हम ये करते हैं कि जो कॉलम हमारा लॉन्ग है, शॉर्ट है या मीडियम। तो किसी भी कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है हम उसके लिए निकाल सकते हैं, ये हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला है, पाई स्क्वायर ईआई बाय एल स्क्वायर, एल इज द इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। एक बार आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला, तो ये यूलर्स फॉर्मूला आपको याद करना है, पाई स्क्वायर ईआई बाय एल स्क्वायर, ये बकलिंग लोड है, दिस फॉर्मूला विल गिव यू द बकलिंग लोड, पीई बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड। तो जो यूलर्स फॉर्मूला से हमें बकलिंग लोड मिलेगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, पाई आपको पता है, ई आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन,
एंड एल इज द इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी कॉलम की डिपेंड्स ऑन द इक्विवेलेंट लेंथ। तो उसकी जितनी इक्विवेलेंट लेंथ कम होगी, जितनी छोटी लेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। एल स्केयर आपको पता है नीचे है, तो जितनी ज्यादा ये एल स्केयर की वैल्यू कम होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। जितनी एल की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो हम किसी भी कॉलम के लिए उसकी इक्विवेलेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम। तो जैसे आपको दिखाया गया है कि डिफरेंट एंड कंडीशंस है हमारे पास कॉलम की। तो ये बहुत बार एग्जामिनर पूछते हैं कि भैया आपको बताना है कि उसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी व्हेन वी हैव गॉट द डिफरेंट एंड कंडीशंस। तो जैसे आपको दिखाया कि बोथ हैंड्स आर हिंज्ड, जो कॉलम के जो दोनों हैंड्स हिंज हो, हिंज का मतलब क्या होता है, फिक्स इन पोजिशन बट नॉट इन रोटेशन। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं हिंज, हिंज का मतलब यह है कि जो जो कॉलम है हमारा, उसका पोजिशन में तो वो फिक्स है, लेकिन वो रोटेशन में फिक्स नहीं है, फ्री है। तो उस तरीके से उसको बोलते हैं हिंज एंड। तो जब हमारे पास दोनों एंड हिंज हो, जैसे दिखाया गया है बोथ हैंड्स आर हिंज, तो इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ वही रहती है। तो ये फॉर्मूला हमारा यही रहे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ से इसका एक्सिस बदल रहा है। तो ये हमारा कॉलम आपको दिखाया गया है, वही लेंथ रहती है। अब हमारे पास एक एंड फिक्स हो, एक एंड क्या नाम है हमारे पास हिंज हो, व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ वही रहती है। अब हमारे पास अगर एक एंड फिक्स हो और एक एंड हिंज हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल बाई रूट टू। वेल एल इज द एक्चुअल लेंथ एंड एल इज द इफेक्टिव लेंथ, दैट विल गिव यू द एल बाई रूट टू। अब हमारे पास अगर बोथ हैंड्स आर फिक्स, तो उसके अंदर जो हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू एल बाई टू, तो उसकी हाफ होती है। तो ये हमारे पास दो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ एल से दिखाया गया है। तो उसके अंदर जो हमारे दिस इज अवर इफेक्टिव लेंथ। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी चार गुना है। इन द सेम वे व्हेन वन एंड इज फिक्स एंड वन एंड इज फ्री, तो जो हमारी एक्चुअल जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज इक्वल टू टू एल, डबल हो जाती है। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो फोर टाइम घट जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ फॉर द वेरियस एंड कंडीशंस, एंड कंडीशंस आपको बताई गई। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रस। तो ट्रस आपको पता है एक स्ट्रक्चर, कोई भी जब हमारे पास स्पैन बहुत ज्यादा हो, तो उसके अंदर हम वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जैसे फैक्ट्री वगैरह होती है या बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, तो उसके अंदर आरसीसी की छतना बनाकर वहां पर हम ट्रस का प्रोविजन करते हैं। तो ट्रस जो है कि स्टील स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर की डिफरेंट मेंबर्स जो हम कनेक्ट करते हैं बाय ए स्ट्रक्चर मेड अप द नंबर ऑफ बार्स और मेंबर्स कनेक्टेड टुगेदर इज नोन एज ए ट्रस और ए फ्रेम। तो उसको ट्रस बोलते हैं। ए स्ट्रक्चर मेड अप द नंबर ऑफ बार्स और मेंबर्स, बार से बना सकते हैं या और अलग मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि सर्कुलर रॉड्स, प्लेट्स, एंगल्स, रोल्ड सील जॉइस्ट और चैनल्स। तो उन सबको मिलाकर अगर आप उसको अगर कनेक्ट करके एक जो फ्रेम स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ए ट्रस। आपने देखा होगा बहुत जगह पर जहां पर कि बहुत बड़े बड़े स्पैन होते हैं, चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाना बहुत कॉस्टली होता है। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम वहां पर ट्रस का हम उसमें ट्रस हम डालते हैं। तो वह उसमें कई तरह की ट्रस होती है, हम बोलते हैं परफेक्ट फ्रेम। तो परफेक्ट फ्रेम का मतलब क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फ्रेम आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम देन इट इज कॉल्ड टू बी परफेक्ट फ्रेम। तो जो परफेक्ट फ्रेम जो है वो कंडीशंस उसके अंदर हम कहते हैं वो अगर वो उसको अगर फुलफिल करता है तो दैट इज कॉल्ड ए परफेक्ट फ्रेम। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, n इज इक्वल टू 2j-3, ये हमारे पास एक कंडीशन है n इज इक्वल टू, अगर जो हमारा फ्रेम अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है देन दैट इज कॉल्ड ए परफेक्ट फ्रेम। n इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, जो मेंबर हमारे पास बना हुआ है उसके अंदर j नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं और n इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो दैट इज कॉल्ड ए परफेक्ट फ्रेम, और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फ्रेम। तो उसको हम इम्परफेक्ट फ्रेम बोलते हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। n इज इक्वल टू 2j-3,
तो जो इनपरफेक्ट फ्रेम है हमारे दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं डेफिशिएंट फ्रेम और एक को बोलते हैं रिडंडेंट फ्रेम। तो डेफिशिएंट फ्रेम का मतलब ये है कि जिस फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस, डेफिशिएंट है उसमें डेफिशिएंसी है, नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन रिक्वायर्ड तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंट फ्रेम, एंड व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन रिक्वायर्ड तो दैट इज कॉल्ड ए रिडंडेंट फ्रेम। उसके अंदर जिसके अंदर की नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन रिक्वायर्ड, जितने पेशेंट के हिसाब से जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए उससे ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट फ्रेम, एंड व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन रिक्वायर्ड देन दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट फ्रेम। लेकिन ये दोनों ही फ्रेम जो है दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट फ्रेम, दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर इम्परफेक्ट फ्रेम। हमारे से पूछा जा सकता है परफेक्ट फ्रेम क्या होते हैं इम्परफेक्ट क्या होते हैं, तो इम्परफेक्ट फ्रेम का मतलब ये कि जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते दे आर इम्परफेक्ट फ्रेम, वो जो फ्रेम जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं दे आर कॉल्ड परफेक्ट फ्रेम। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास एक फ्रेम है तो इसके अंदर दी आर थ्री नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, ये तीन नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है और तीन इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन है 2J-3, तो 2J-3 2 इंटू जे, जे इज 3 तो 2J का मतलब 2J इंटू 2 इंटू 3 6, 6-3 इज इक्वल टू 3 तो नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 3, तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स आर 3 तो इसका मतलब ये हमारा फ्रेम जो है परफेक्ट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम में दो कंडीशन, डेफिशिएंट फ्रेम एंड रिडंडेंट फ्रेम। डेफिशिएंट का मतलब उसके अंदर डेफिशिएंसी कमिंग। अब इसके अंदर देखिए, आप देखिए नंबर ऑफ ज्वाइंट्स आर 4 तो 2J-3 तो 2J का मतलब 2×4-3 तो 8-3 मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 5, 5 होना चाहिए। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स आर 4, आप देख सकते 4 मेंबर्स हैं तो इसलिए ये जो फ्रेम है हमारा इट इज ए डेफिशिएंट फ्रेम। अब आपके पास ये दूसरा फ्रेम आप देख सकते हैं, इसमें वही कंडीशन है लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं नंबर ऑफ मेंबर्स आर दे आर 6 तो ये हमारे पास होगा रिडंडेंट फ्रेम। रिडंडेंट क्यों होंगे, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए थे 5, अब इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 6 तो इसलिए इसके अंदर एक नंबर ऑफ मेंबर्स फालतू है तो इसलिए इसको मैं कह दिया इट इज ए रिडंडेंट। तो दोस्तों ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं परफेक्ट फ्रेम, रिडंडेंट फ्रेम, डेफिशिएंट फ्रेम, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों जो भी इसके अंदर जो 5-4-5 चैप्टर्स हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है, जो कि इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो दोस्तों फिर मेरी आपसे फिर वही गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि आप इस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आए होंगे, तो थैंक्स वेरी मच।